नमस्कार दोस्तों, आप लोग जब ई रिक्शा में टायर लगाने के बारे में सोचते हैं तो आप लोगों के मन में बहुत सारा सवाल आता होगा कि कौन सा टायर किस कंपनी का लगाए जो ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत हो और किसी भी तरह के रोड पे आपका टायर कम घिसे। इस चीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ अजीत कुमार और आप देख रहे हैं टेक ट्रेंड यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ई रिक्शा से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज आती रहती है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पूरा चीज़ आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों के मन में एक और सवाल आता होगा कि ई रिक्शा टायर की साइज़ क्या होती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। एक 90/90/12 की छोटी टायर आती है और दूसरी 375/12 की बड़ी टायर आती है। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि आप किस तरह के रोड पर अपनी गाड़ी को चलाते हैं। बहुत सारा जगह ऐसा होता है जो शहर में होता है और वहाँ पर रोड ऊपर नीचे गड्ढा ऐसा होता है, और कई जगह ऐसा रोड होता है बहुत प्लेन होता है, और जैसे हाईवे पे। और जो भी कुछ मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बताने वाला हूं, तो इस बात पे तो लाइक बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं क्या बताया आप लोगों को कि किस तरह के रोड पे आप चलाते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर ज़्यादा गड्ढा नीचा वाला रोड है तो वहाँ टायर कटने का चांस बनता है, अगर किसी अदर कंपनी का लगाते हैं। अगर बेस्ट कंपनी का या बेहतर कंपनी का लगाते हैं जो ब्रांडेड होती है, तो वहाँ पर कटने का चांस कम होता है। और ई रिक्शा जो टायर होती है ना, टायर के अंदर कितने साइज का आपको ट्यूब डालना है, ये भी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जब ई रिक्शा खरीदते हैं तो बहुत सारी कंपनी जो है, तो उसमें क्या होता है कि वो कंपनी किसी अदर कंपनी की टायर लगा देते हैं, जैसा कि कोई ब्रांडेड है या नहीं है उससे उसको लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसके सेल करना होता है एक ई रिक्शा को। तो आपको जब आपकी गाड़ी का टायर ख़राब हो जाए, तो जब ये बात आ जाती है आपके मन में कि कौन सा टायर खरीदें, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप पैसे को नहीं देखना है कि आपका पैसा कितना खर्च हो रहा है, ये देखना है कि आपका टायर ज़्यादा सर्विस दे। तो उस मामले में सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा वो है MRF टायर। MRF टायर में क्या है कि आगे वाले चक्के में अगर आप MRF की टायर लगाते हैं तो वो प्लेन धारी का होता है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। तो इस तरह का टायर होता है ना, वो प्लेन रहता है धारी धारी, तो वो आप जब चलाते हैं ना तो उसे आगे की ओर ले जाने में बहुत आसानी मिलता है। तो MRF सजेस्ट करूँगा आगे के टायर में, आगे के चक्के में जो टायर लगाते हैं वो MRF के लगाएं, और पीछे के चक्के में जो टायर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें आप दो ऑप्शन आप ले सकते हैं। उसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मैं देता हूँ कि वो आप C8 का टायर आप लगा सकते हैं, और इसके अलावा एक और है जो अपोलो कंपनी है, वो भी बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि तीनों चक्कों में MRF लगाना चाहते हैं तो MRF लगा सकते हैं। सेकंड चॉइस जो आपको मैंने बताया कि आप C8 लगाना चाहते हैं तो तीनों चक्कों में आप C8 लगा सकते हैं। आखिरी चॉइस आपकी तीसरी जो चॉइस है वो अपोलो है, तो आप अपोलो को भी तीनों चक्कों में लगा सकते हैं। और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो में, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने जो टोटो चलाने का अपना खुद का एक्सपीरियंस है। कई तरह के रोड पे मैं चलाता हूँ अपनी टोटो को। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं टोटो कैसे चलाता हूँ, क्या करता हूँ इसके अलावा, तो एक मेरा ब्लॉग चैनल है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। रही बात कि जब आप 375 की टायर लगाते हैं, टायर की साइज होती है तो एक 90/90/12 की होती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा जब एक ई रिक्शा चला रहे हैं तो, एक होती है 375/12 की, और 375/12 की जो टायर होती है उसमें आप 375/12 की ट्यूब डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक जो भेल कटने का चांस बनता है वो बन जाता है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपके पास ई रिक्शा है तो वहाँ पे अपने टायर में ये कर सकते हैं कि 375 की टायर खरीद लें और 90/90/12 की ट्यूब लगा लें, तो भेल कटने का चांस कम होगा। ये जो है अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो और दूसरी बात है, यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपके ई रिक्शा में 90/90/12 की टायर है तीनों चक्कों में, तो आप तीनों को चेंज कर सकते हैं 375/12 जो टायर की साइज होती है, जो पहले वाले चक्के जो आपके हैं वो 90/90/12 के हैं, तो आप उसे 375/12 में तब्दील कर सकते हैं, वो तीनों को आप चेंज कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि ई रिक्शा की स्पीड भी बढ़ जाती है। ये सारा जो है मैटर आप लोगों को सोचना है, और पैसा मैटर नहीं करता है दोस्तों, मैटर करता है क्वालिटी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की कंटेंट इस चैनल पे मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।